चेला नहीं हूँ बेटा, तू भी तो चेला है, हमसे पहचाना जा तू समझा, पीछे 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 हट के बात कर। दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर आखिरकार वही हुआ जिसका सभी को डर था। जी हां दोस्तों, अदनान शेख के आने के बाद सभी को ये लग रहा था कि घर के अंदर अदनान और कटारिया का हमें झगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों झगड़ा शुरू भी हुआ तो ऐसा हुआ कि क्या ही बताएं। जी हां दोस्तों, सीधी यहां पर हाथापाई हो चुकी है, दोनों ने एक दूसरे को धक्का दे मारा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर लवकेश कटारिया घर के अंदर व्लॉग वीडियो शूट कर रहे थे जो कि उनका टास्क था, और इस दौरान उसने घर के सभी कंटेस्टेंट को अपने व्लॉग वीडियो के दौरान जो है रोस्ट किया था। लेकिन जब वो अदनान पर आए, अदनान को रोस्ट करना शुरू किया और कहा कि ये देखिए ये एक कंटेस्टेंट है जो कि यहाँ पर मच्छरदानी पहनकर घूम रहा है। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर जो है अदनान ने भी कह दिया कि यहाँ तेरे जैसे मच्छर घूमते ना, उनसे बचने के लिए मैं मच्छरदानी पहन के घूमता हूँ। और इस तरीके से जो है एक दूसरे को ताने मारते गए। ताने इतने जबरदस्त थे कि यहाँ पर दोनों ने घर के बाहर के पर्सनल कमेंट्स करने शुरू कर दिए, और इसके बाद में ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर ब्लॉग वीडियो तो गया बाहर में, दोनों ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, गाली गलौच हो चुकी है, एक दूसरे के बाहर की बातें छिड़ने लगी है और बाहर की बातों से ताने मार रहे हैं, पर्सनल कमेंट्स हो रहे हैं। हालांकि बिग बॉस ने अदनान को पहले भी कई बार टोक दिया है कि बाहर की बातें ना करें, लेकिन आज एक बार फिर से अदनान शेख ने बाहर की बातों को छेड़कर अपने लिए ही नई मुसीबत खड़ी कर दी। वहीं दूसरी ओर लवकेश कटारिया ने भी कोई कम नहीं बोला, उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दोनों के बीच में तगड़ा वाला झगड़े की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इस झगड़े में विशाल पांडे फंस चुके हैं, क्योंकि विशाल को समझ में नहीं आ रहा कि किसका साथ दें। वो दोनों को एक दूसरे से अलग करने में लगे हुए हैं, लेकिन स्टैंड वो किसी एक के लिए भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि इधर भी कुआ इधर भी खाई, तो दोनों तरफ फंस चुके हैं, दोनों उसके दोस्त हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जो घर के अंदर झगड़ा शुरू हुआ है अदनान और कटारिया का, ये आने वाले दिनों में कहां तक बढ़ेगा। आपका क्या है कहना इस पर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।